झारखंड में चुनावी समर में तमाम वो प्रत्याशी जुट गए हैं जो झारखंड विधानसभा में लड़ाई के लिए तैयार हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं गढ़वा विधानसभा की, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी हैं मिथिलेश ठाकुर, वो एक सभा कर रहे हैं और सभाओं में भीड़ जुटने लगी है। कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग अंदर हैं, लेकिन बैनर पहले हम दिखाते हैं कि बैनर में महागठबंधन के आरजेडी के नेता और कांग्रेस के इसके साथ ही जेएमएम के, यानी कि तीनों दलों के जो प्रत्याशी हैं वो है मिथिलेश ठाकुर और कल्याणपुर विधानसभा से है। आप देखिए कि किस तरीके से सभाएं चल रही है और सभाओं के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मिथिलेश ठाकुर जो कि प्रत्याशी है वो लगातार सभाओं के बीच में है और सभा चल रही है। झारखंड में कितना विकास हुआ, इन तमाम चीजों पर चर्चा कर रहे हैं और इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी। तो ये सभाएं इसलिए भी है क्योंकि 30 तारीख को चुनाव होना है और चुनाव से पहले जनता तक पहुंचना तमाम प्रत्याशियों की ये इच्छा है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जनता तक पहुंच सके। और हम लगातार आपको अपडेट कराते रहेंगे कि झारखंड के चुनावी समर में कैसी चल रही है सभाएं और किस तरीके से नेताओं के वादे का दौर जारी। बोलते कि भाई बेटा तो बहुत अच्छा लगता है और वही सुनने में बहुत अपनापन लगता है। चलिए धीरे से अभी तक अतिथि समझ अपना अब शुरुआत करना होगा कि हमारा भाई हमारा बेटा बोलिएगा तो बहुत फख्र महसूस होगा। आज महागठबंधन की सभा में हमारे बीच उपस्थित इस कल्याणपुर के सदर हमारे भाई शमसुद्दीन अंसारी साहब, हमारे अभिभावक स्वरूप यहाँ शुरू से हमारा मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, हमारे गार्जियन, पंचायत बीडीसी प्रतिनिधि श्री ताहिर अंसारी जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई नसीम, चुनने का जो 5 साल में एक बार हर तरह का प्रतिनिधि चाहे मुखिया हो, बीडीसी हो, जिला परिषद हो, सांसद हो, विधायक हो, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 साल का समय रखा गया है कि 5 साल में हमें अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है। और ये व्यवस्था इसलिए रखी गई है कि 5 साल हम अपने बीच में से, कहीं बाहर से लाके नहीं, जो हमारे बीच के लोग हैं उनके बीच में से हम 25 साल जिनकी उम्र हो गई है और जो लगता है जनता को कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ये व्यक्ति मजबूत है, समझदार है, इस व्यक्ति को अगर अपना प्रतिनिधि बनाकर हम सदन में भेजने का काम करेंगे तो हमारा विकास होगा, हमारे गांव टोले पंचायत की सड़कें अच्छी होंगी, बिजली मिलेगी, पीने का पानी मिलेगा, हमारे जो अधिकार है, राशन, वृद्धा पेंशन, आवास, ये सारा जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमें मिलेगी। कल्याणपुर में कैसी हवा चल रही, पूरे विधानसभा में लहर चल रही है, हवा नहीं लहर है, सुनामी है और इस सुनामी में सभी लोग बह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन दिखेगा। कितना विकास आपको दिख रहा है फिलहाल? विकास तो खैर विनाश दिख रहा है। मैंने कहा कि विकास देखने के लिए यहाँ के लोगों की आंखें तरस रही हैं, यहाँ लड़ाई ही विनाश और बनाम विकास की है, तो आप सोच लीजिए क्या दिख रहा है, यहाँ लोगों को विनाश ही विनाश दिख रहा है, विकास कहीं नहीं दिखा। झारखंड में बहुत जल्द अब प्रधानमंत्री भी आएंगे, बहुत रैलियां होगी, बहुत सभाएं होगी। देखिए चाहे कोई आ जाए यहाँ, प्रधानमंत्री आ जाए और चाहे जो वो बोलते हैं यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, प्रधानमंत्री वाले उम्मीदवार जो हैं, जो कहते हैं कि हम भगवानों के ठग देव एक बार, अजंता के ठगना तो हमारा चुटकी का खेल है, अब भगवान भी आएंगे तो उनको नहीं जिताएंगे, इतना ही बात कह देते हैं आप लोगों को।